हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में। तो सबसे पहला है रेस इप्सा लोक्यूटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट्स अ थिंग और अ फैक्ट दैट स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ। नेग्लिजेंट एक्ट इज सो ग्रोस दैट देयर इज नो नीड ऑफ एक्सपर्ट विटनेस। इतना खराब होता है कि एक्सपर्ट विटनेस की जरूरत नहीं है, आराम से इसको बता दिया जा सकता है। बात करें एग्जाम्पल्स की तो रिटेनिंग फॉरिन बॉडी इनसाइड द कैविटी। तो अगर मान लीजिए कोई सर्जरी हो रही है, उसमें सर्जरी करते वक्त कैंची छूट गया पेट में और फिर स्टिच हो गया, फिर बाद में आदमी को पेट दर्द हुआ और फिर बाद में हम लोग को रिपोर्ट्स में देखने को, एक्सरे में देखने को मिला कि एक कैंची छूटी हुई है। तो ये खुद ही दर्शा रहा है कि कैंची है तो मतलब गलती हुई है, फॉरन बॉडी छूट गया है अंदर। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक एग्जाम्पल है। बात करें सेकेंड डॉक्ट्रिन की तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन नॉलेज। इट इज़ अ वेरियंट ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर। इसमें भी एक्सपर्ट विटनेस की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो जब सीवियर डिहाइड्रेशन है तो पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स नहीं दी जा रही है, जो इंजर्ड पेशेंट है उसको टीटी इंजेक्शन नहीं दी जा रही है। तो ये कॉमन नॉलेज है, लेकिन देना चाहिए लेकिन दिया नहीं जा रहा है। अब बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। एवरी प्रोसीजर टेक्निक ट्रीटमेंट हैज़ इट ओन रिस्क विच इज़ अनअवॉइडेबल। कोई भी सर्जरी होगा उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर कोई एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो मे बी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है जिसकी वजह से डेथ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिसको नहीं, जो नहीं पता है। इट इज़ अ डिफेंस फॉर डॉक्टर। डॉक्टर एज अ डिफेंस में इसको यूज़ कर सकता है। अब सबसे आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पे, नोवस एक्टस इंटरवीनस। इसका क्या मतलब हुआ? द असाइलेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज असॉल्ट द इमीडिएट एंड रिमोट विच लिंक टू द इंजुरी टू द डेथ। समटाइम्स सच अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ इवेंट्स इज ब्रोकन बाय एन एंटायरली न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग विच कैन नॉट रीजनेबली बी सीड टू फोरसीएबल कॉम्प्लिकेशन। व्हेन दिस हैपेंस नोवस इंटरवीनियस अनरिलेटेड इंटरवीनिंग एक्शन इज सेड टू हैव ऑकर्ड एंड लीगल प्रोसीडिंग स्टैंड टू बी मॉडिफाइड एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसका यह मतलब होता है कि कोई ऐसा अनरिलेटेड एक्ट जिसके वजह से पेशेंट की डेथ हो गई है, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। इसे एग्जांपल से अच्छे से समझा है। एन इंजर्ड मैन वाज बीइंग टेकन इन एन एम्बुलेंस टू द हॉस्पिटल विद गुड चांस ऑफ रिकवरी फॉर अ सूचर ऑफ लिम्ब आर्टरी विच वॉज कट ड्यूरिंग अ स्टैब इंजुरी। द एम्बुलेंस ओवरटर्न्ड इनटू अ डिच विद फेटल रिजल्ट। द असाइलेंट कुड नॉट बी फुल्ली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्टिंग डेथ एज अ मेजर चार्ज फेल्ड। तो एक कोई अगर आदमी को चोट लगा है, उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है लिमार्ट्री की सूचर के लिए एक स्टैब इंजुरी के वजह से, तो जब एम्बुलेंस ओवरटर्न हुआ तो एक डिच में गिर गड्ढे में या हचके में लग गया जिसके कारण से काफी जर्क पड़ा, जिसके कारण से वहां पे डेथ हो सकती है या डेथ हो गया। तो इसके लिए डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ये अनरिलेटेड इवेंट है। अगर सब कुछ सही रहता, वो रास्ते से आ जाता तो डॉक्टर उसकी जान बचा लेता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब